तो वहीं मुरार स्थित एनएस अस्पताल में अवैध गर्भपात करवाया जाता है, जिसका पता चलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को छापेमार कार्रवाई की। अवैध गर्भपात का खुलासा होने के बाद टीम ने अस्पताल को सील भी कर दिया। एसएन हॉस्पिटल पर पीसीपीएनडीटी की टीम ने कार्रवाई की। टीम की एक सदस्य को यहां अवैध तरीके से गर्भपात करने की शिकायत मिली थी। इस पर टीम ने यहां रैकी की और साक्ष्य भी जुटाए, तब कहीं जाकर इस मामले का खुलासा हो सका। अवैध गर्भपात का खुलासा होने के बाद टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। दरअसल पीसीपीएनडीटी एक्ट की पूर्व सदस्य मीना शर्मा को शिकायत मिली थी कि मुरार कन्या महाविद्यालय के सामने संचालित डॉक्टर धर्मवीर दिनकर के एसएन अस्पताल में अवैध रूप से गर्भपात केंद्र संचालित किया जा रहा है। इस पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अस्पताल पर निगरानी रखना शुरू कर दी। पिछले 15 दिनों से अस्पताल की रैकी करने के बाद मीना शर्मा ने एक डिकॉय यानी कि गर्भवती महिला तैयार की और अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल के स्टाफ ने महिला को 16,000 का खर्चा बताया और गर्भपात के लिए शुक्रवार का दिन तय किया। हमको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पे गर्भपात किया जा रहा है, तो कहीं सब डिटर्मिनेशन करा के आई है और उसका गर्भपात किया जा रहा है और पैसे भी जमा करा लिए थे, लेकिन इन लोगों को जो भी डाउट हुआ हो कुछ तो वो उन्होंने पैसे वापस करके उसको भेज दिया वापस कि नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमने ओटी में से रजिस्टर जब्त किया है, इनका रसीद कट्टा, कुछ केस पेपर और एमटीपी करने का, एबॉर्शन करने का सामान जब्त किया है, जबकि ये नर्सिंग होम एमटीपी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये लोग एमटीपी या एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान मिला है। हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड है नर्सिंग होम एक्ट में, वो धर्मवीर दिनकर के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है जो महिला डॉक्टर आती हैं वो डॉक्टर कोई रजनी अग्रवाल हैं, जो कि यहाँ आके ऑपरेशन महिलाओं के और सब करती है। अभी हमने सारे जो भी स्टाफ था उनके मोबाइल और जो भी रजिस्टर थे, ओटी रजिस्टर, रसीद कट्टा, केस पेपर कुछ और सामान जो एमटीपी करने का है वो जब्त कर लिया और नर्सिंग होम को सील किया जा रहा है। ये एसएन हॉस्पिटल के नाम से स्थित है और ये मुरार में गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज जो है उसके ठीक सामने। जांच में टीम को ऑपरेशन थिएटर से गर्भपात कराने वाली दवाइयां रखी हुई मिली। इसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर सहित अस्पताल में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां भी मिली, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, ग्वालियर।